हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम फरवरी में होता आ रहा है और अगर हम 2019 के एग्जाम डेट की बात करें तो हो सकता है नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाए और उस हिसाब से एग्जाम डेट लगभग फरवरी एंड या मार्च में होगी। लेकिन हम मान लेते हैं कि एग्जाम 24 फरवरी संडे को होता है तो हमारे पास लगभग 2 महीने यानी 60 दिन तैयारी के लिए बचते हैं। तो अगर इन 60 दिनों में हमें तैयारी करनी है तो क्या स्ट्रेटेजी हो, इस वीडियो में देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे डेटा की जो कि मोस्ट रिलायबल या विश्वसनीय है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या 60 दिनों में एमपीपीएससी की तैयारी संभव है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है, अगर आप पेरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल अप्लाई करें तो। 80-20 रूल कहता है कि आपको 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट से ही मिल जाएंगे, यानी 80% क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में 20% सिलेबस से ही आएंगे। 10% चीजें यहाँ वहाँ हो सकती हैं और अगर हम 10% का मार्जिन ले लेते हैं तो उस हिसाब से 70% क्वेश्चंस 30% सिलेबस से आने चाहिए। लेकिन कट ऑफ को अगर हमें पार करना है तो हमें 80% को टारगेट करना होगा, ताकि हम थोड़ा बहुत नीचे गिरे भी तो कट ऑफ के आसपास आ जाएं। लेकिन ये एक्स्ट्रा 10% सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 20% एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, यानी टोटल 50% सिलेबस। लेकिन ये 50% सिलेबस है कितना, आइए इसे हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर से एनालिसिस करते हैं। अब 1990 से 2018 के बीच जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे गए हैं, अगर उसका टोटल करते हैं तो ये लगभग 2300 क्वेश्चन होते हैं। और अगर इसी तरह हर सब्जेक्ट में देखा जाए तो इतने क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में अभी तक पूछे जा चुके हैं। अगर हम इसी डेटा का यूज करते हुए ये देखें कि इसको अगर 100 क्वेश्चंस में बदल दिया जाए तो एवरेज में कितने क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स को आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन से सबसे कम पूछे गए क्वेश्चंस के सीक्वेंस में जमाइए। अगर आप शुरुआत के 7 सब्जेक्ट्स का टोटल करते हैं जो कि लगभग 46% सिलेबस है, आपको टोटल आएगा 78.5%। और अगर एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि टोटल 53% सिलेबस कवर करेगा, उससे हम 83% मार्क्स कवर कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि बचे हुए 7 से 8 सब्जेक्ट्स को आप छोड़ भी देते हैं तो भी आप प्री के लिए बहुत कुछ हिस्सा कवर कर चुके होंगे। अब बात आती है कि इन 60 दिनों को सब्जेक्ट्स के हिसाब से कैसे बांटे। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप रोज का टारगेट बांध के चलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपने अपना डेली का टाइम टेबल बनाया है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन नहीं और आपको शुरुआत करनी है तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दिसंबर से। ये प्लान इस डेटा को साइंटिफिकली यूज करके और हर सब्जेक्ट को पिछले कुछ सालों में पूछे गए उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हर दिन को डिवाइड किया गया है। अब चलिए देखते हैं जनवरी में। इसमें मैंने हर सब्जेक्ट्स के टॉपिक को भी उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिनों में बांटा है, जितनी जिसकी प्रोबेबिलिटी उतना उसका दिन। अब चाहे तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए या मैं इमेजेस ड्राइव में शेयर कर दूंगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं लास्ट फरवरी। मैंने हर सब्जेक्ट के एंड के बाद टेस्ट लिखा है ताकि आप अपनी तैयारी को टेस्ट करके और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो आप फुल लेंथ टेस्ट को लगाते रहिए ताकि जब एग्जाम में बैठे तो आपको फुल एग्जाम लेने की प्रैक्टिस हो। अब इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप 80-20 रूल का यूज करके क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसका पता लगा सकते हैं, किस सब्जेक्ट को पहले खत्म करें और कितने दिन में, ये भी हमने हमारे प्लान में देखा। अब ये तो हमने 2019 में एमपीपीएससी का प्लान दिया और हम फरवरी में 2020 के लिए इसी तरीके से 1 साल के प्लान का वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो तब देखते हैं जबकि प्लान स्टार्ट होने की डेट निकल जाती है। तो हमारी जल्दी ही एक ऐसी सर्विस लॉन्च होने वाली है जिसमें हम आपको साइंटिफिकली डेटा एनालिसिस की मदद से आपका खुद का कस्टमाइज्ड प्लान दे सकेंगे। अगर आप खुद जिस डेट से स्टार्ट करना चाहें उस डेट से प्लान स्टार्ट कर सकते हैं और डेज का टारगेट उसी हिसाब से बन जाएगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो उस सब्जेक्ट का सीक्वेंस बाद में आ सकता है, यानी आपके सब्जेक्ट स्किल लेवल के हिसाब से डेज का डिस्ट्रीब्यूशन और सीक्वेंसिंग। अगर आप किसी समय साल में छुट्टी लेने वाले हैं तो उसे भी इस प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी आपके अकॉर्डिंग आपका कस्टमाइज्ड प्लान। बट सिंस ये एक पर्सनलाइज्ड सर्विस है इसलिए इसका बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है। ये सर्विस हम 1 जनवरी 2019 से लॉन्च करने वाले हैं।
लेकिन मान लीजिए कि आपने ये वीडियो लेट देखा और आपको इन 60 दिनों का कस्टमाइज प्लान चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करिए कि आपको कौन सी स्टार्ट डेट और एंड डेट पे प्लान चाहिए। हम आपको 2019 के एग्जाम तक इस 60 दिनों का प्लान आपको फ्री में देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हमारे सारे वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।